हेलो दोस्तों, देखिए आज ये 6 तारीख को मैंने केसिंग करी थी, तो आज ये 5वां दिन है। 6 तारीख को काउंट करके और आप देखिए, इसमें जाला फैलना शुरू हो गया है केसिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं केसिंग के ऊपर इसमें जाला फैलना शुरू हो गया है। और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि बैग मेरा दूधिया नहीं हो रहा था, वो बैग भी मेरा अब दूधिया हो गया है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम आ रही थी कि रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री 17 18 डिग्री पे चल रहा था, और दिन में ये टेम्परेचर पहुंच के 22 23 पे चला जा रहा था, बट उससे काम नहीं हो पा रहा था। तो मुझे रात में हेलोजन लगानी पड़ी। बट ये है कि अब केसिंग डालने से इसमें दो बेनिफिट हुआ। एक तो इस केसिंग ने माइसिलियम में को ग्रोथ करने में मदद करी, दूसरा उसने क्या किया, यहाँ पे इसको जो बैग हीटिंग छोड़ता है उस हीटिंग को इसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो हीट बैग प्रोड्यूस कर रहा था वो उसी के अंदर ही रहने लग गया, जिससे इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उतना तक पहुंच गया जितने तक ये बैग माइसिलियम अच्छे से रन कर जाए। तो यहाँ देखेंगे काफ़ी बैगों में 5 ही दिन हुआ है और काफ़ी बैगों में माइसिलियम केसिंग के ऊपर फैल गया है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो केसिंग के ऊपर माइसिलियम फैला है, अब इसमें प्रॉपर पानी का हम लोगों को ध्यान देना है। अभी 2 दिन और वेट करूँगा, तो लगभग 1 हफ्ता वेट करके ये जाला आपको दिखाऊंगा। 2 दिन बाद ये कम्प्लीटली रन कर जाएगा पूरे बैग में, तब इसको हम लोगों को पानी का मैनेजमेंट और अच्छे से, और इसको फ्रेश एयर देने का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना होगा। देख सकते हैं आप बैग में किसी में जाला अभी नहीं फैला, आप देखिए इसमें अभी जाला नहीं फैला है, बट यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे देखिए फैलना शुरू हो गया है। तो यही है, किसी में थोड़ा जल्दी फैलता है, किसी में थोड़ा लेट फैलता है। तो लगभग लगभग इन सब में जाला फैलने लग गया है। और अभी जितना आप देख रहे नहीं है, 2 दिन में लगभग लगभग ये पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। और रूम का टेम्परेचर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने देखा था रूम का टेम्परेचर अभी 22 डिग्री के आसपास है दिन में। अब इसको मैं पूरा लाइट बंद करके रखता हूँ, हेलोजन बंद करके रखता हूँ, और उधर का जो मेरा 500 बैग डाला था, जिनका मैंने 29 तारीख में 30 में केसिंग किया था, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। क्योंकि उन लोगों को अच्छा टेम्परेचर ऑटोमेटिक मिल जा रहा है इस बैग की हीटिंग की वजह से। तो मुझे बस एक पन्ना लगाना पड़ा, एक बैरिकेट लगाना पड़ा उधर उन 500 बैगों के लिए, तो वो उधर अच्छा रिस्पॉन्स ग्रोथ कर रहे हैं। उनका मैं अलग वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी कि उनका आज रिस्पॉन्स कैसा है, कैसी ग्रोथ कर रहे हैं। बट अभी आपको मैंने जो 5 दिन पहले केसिंग करी थी 6 तारीख में, उसका रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ। माइसिलियम ऊपर तक पहुंच गया है, से गुड रिस्पॉन्स। देखिए आप इसका वाइटपन देखिए, इस बैग में कहीं कहीं है, इसका देखिए वाइटपन कंप्लीटली। ये देखिए, आपको मैं दूसरे साइड का दिखा देता हूं अपने।
ये देखिए जाला लगभग, ये देखिए जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा था इस रूम का, तो मुझे 14 दिन में नहीं, मुझे 17 दिन में केसिंग करनी पड़ी। बट आफ्टर केसिंग ये बैग एकदम से दूधिया होना शुरू हो गया है, फर्स्ट क्लास का, क्योंकि इस केसिंग ने इसके बैग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। देखिए फर्स्ट क्लास का माइसिलियम रन हो गया है।